गाइस, शोल्डर के बेसिकली थ्री हेड्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। अब काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो यार एंटीरियर शोल्डर पे ज़्यादा वर्क करते हैं, मीडियल पे 80% या 70%, एंड जो पोस्टीरियर डेल्ट होता है ना उसमें केवल ये पेगडेक मशीन जिसका रिवर्स पेगडेक फ्लाई वर्जन होता है, दोनों मतलब ड्यूअल होता है। इसमें आप चेस्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि पेगडेक फ्लाई एंड रियर डेल्ट फ्लाई। तो गाइज, काफ़ी सारे लोग ना इस एक्सरसाइज को काफ़ी गलत वे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो गाइज, माइंड में एक्सरसाइज सामने आ गई तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे करके आप इसको इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे और आपका जो पोस्टीरियर हेड ना वो ज़बरदस्त लगेगा। पहले मिस्टेक्स आपकी देख लेता हूँ, कर रहे क्या होते हैं। ये हैंडल होल्ड किया और इसको पूरा पीछे लेके आ रहे होते लाइक दिस। इससे मैक्सिमम या तो सर्वाइकल की जो पेन है वो बढ़ सकता है और इफेक्ट इतना नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एंटीरियर शोल्डर वर्क कर रहा होता है। तो चलिए गाइज, शेयर कर रहा हूँ। वेट सबसे पहले कम कर लीजिए। एंड गाइज, जो इसमें हम मूवमेंट करेंगे वो करेंगे बायलेटरल, मतलब सिंगल हैंड से कोई भी मूवमेंट करते हैं उसको बायलेटरल मूवमेंट करते हैं कहते हैं। तो ये बेंच है गाइज, इसमें आपको बैठना एक साइड से, ठीक है। एंड ये प्रॉपरली जो इसका सीट है इसको आप होल्ड कर लीजिए एंड सिंगल हैंड से मूवमेंट करनी है आपको लाइक दिस, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ सबसे पहले ये, जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आपका ये पीछे का जो पोस्टीरियर हेड है वो स्ट्रेच हो जाएगा लाइक दिस। एंड ग्रेजुअली इसको आराम आराम से इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे तो गाइज ट्रैप इन्वॉल्व हो जाएगा, मुझे ट्रैप इन्वॉल्व नहीं करवाना है आपका। सो ध्यान से देख लीजिए मूवमेंट को, ग्रेजुअली लेके जाना है इसको दिस वे। अब आप देख रहे हैं कि एक रैप में कितना जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है मेरे रेयर शोल्डर को। ध्यान से देखिए वीडियो गाइज, स्किप करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देंगे। तो ऐसे ही सेकेंड साइड से भी आप परफॉर्म करेंगे। प्रॉपरली देख लीजिए बैठना एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे इस पैड को एंड आराम से इसको दिस वे एंड दिस वे। तो गाइज वीडियो को पूरी देखना, और ये सेफ और इफेक्टिव मूवमेंट है बायलेटरल मूवमेंट। अब इसका करने का रीजन क्या है वो बता देता हूँ मैं। ह्यूमन बॉडी गाइज अनइवन होती है, अगर आप अपने हैंड्स को भी चेक करेंगे तो एक हाथ आपका लंबा और एक हाथ आपका छोटा होता है, एक हाथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और एक हाथ की कम होती है। ये जो मूवमेंट होती है हमारी, ये बेसिकली है तो दोनों बायलेटरल, लेकिन कई बार जो लोग होते हैं इसको, जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं वो उसको अनइवन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे उनका स्कैपुला ऊपर नीचे मिसमैच कर रहा होता है, इस वजह से उनका जो है पोस्टीरियर हेड पे प्रॉपरली नहीं आ रहा था। तो इस जो सीटिंग पोजिशन में आप बैठेंगे एंड इस तरफ से मूवमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मसल ग्रोथ मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड जो लोग पेज पर नहीं है प्लीज़ फॉलो माई पेज महेश देगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।